कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से त्रस्त है और सभी जगह तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। मामले अब कम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन लोगों की तकलीफें अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में अब कोरोना से मुक्ति पाने के लिए लोग सिर्फ वैक्सीन और दवाई पर भरोसा नहीं जता रहे हैं, उनकी नज़रों में अब आस्था की शक्ति से भी कोरोना पर जीत हासिल की जा सकती है। इसका ताज़ा उदाहरण केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में देखने को मिला है। अमेठी के पिंडोरिया गांव में कोरोना ने तेजी से पैर पसारे हैं और समाधान कोई मिलता नहीं दिख रहा। इसी वजह से सभी गांव वालों ने देवी मां की पूजा की है और ये एक ऐसी पूजा है जहां पर महिलाएं देवी को खुश करने के लिए नृत्य कर रही हैं और पुरुष घंटे बजा रहे हैं। एक पूरा हुजूम देवी की पूजा कर कोरोना को भगाने की प्रार्थना कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि गांव वाले कोरोना को भगाना चाहते हैं, लेकिन वे ये खास पूजा बिना मास्क के कर रहे हैं। मास्क ना होने से तो खतरा पैदा हुआ ही है, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। ऐसे में खुले हाथों से कोरोना को निमंत्रण दिया गया है। वैसे हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि गांव के किसी भी शख्स को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी लापरवाही की है। गांव की ग्राम प्रधान सुषमा देवी गर्व से कह रही हैं कि इसी कोरोना को हराने के लिए पूजा की जा रही है। गांव के दूसरे लोग भी इसी तर्क पर भीड़ भी इकट्ठा कर रहे हैं और हर मोड़ पर कोरोना प्रोटोकॉल्स को भी चुनौती देते दिख रहे हैं। अब गांव में कोरोना संकट के बीच इतनी भीड़ का साथ आना प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर जाता है। ये भीड़ एक तरफ उनके जागरूकता अभियान पर सवाल खड़े करती है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का सरकारी नियमों के प्रति बेखौफ रवैया भी दिखाती है। क्या नाम है आपका और क्या है गांव में? सुषमा देवी, गांव के प्रधान। ये किस प्रकार की आज पूजा की गई आप लोगों के द्वारा? जा रही है, ये जो बीमारी फैली हुई थी वही के पूजा हो रहा था कि समाप्त हो जाए। तो क्या लगता है कि पूजा करने से बीमारी दूर हो जाएगी? पूजा करने से बीमारी दूर हो जाएगी। ये कितने बार पूजा की जाती है, क्या किया जाता है इसमें? इसमें 3 बार पूजा किया जाता है, जल छोड़ा जाता है, पूजा होता है, ये सब होता है। क्या कहाँ पूजा की जाती है इसकी? इसकी पूजा होता है बगिया में। फिलहाल कोरोना की जैसी स्थिति चल रही है उसे देखते हुए देश के हर कोने से ऐसी ही खबरें सुनने देखने को मिल रही हैं। वहीं कहीं पर गोबर लगाकर खुद को कोरोना मुक्त किया जा रहा है तो कहीं पर बकरी की बलि दी जा रही है। सभी के नुस्खे और तरीके ज़रूर अलग हैं, लेकिन कोरोना को न्योता दे रहे हैं। अमेठी से आलोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।